नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंफनी जंबो और सिंफनी सिएस्टा डेजर्ट एयर कूलर के कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों, हमने पहले दो अलग वीडियोस में इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर्स की अनबॉक्सिंग करके रिव्यू किया था। यहाँ पर हमने इन दोनों को साथ में रखकर इनको कंपेयर करने का इरादा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और डिफरेंसेस के बारे में, ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सा कूलर बेहतर है, आपको इन दोनों में से कौन सा कूलर लेना चाहिए। और दोनों ही सेम टाइप के हैं, दोनों की वाटर टैंक कैपेसिटी सेम है, 70 लीटर कैपेसिटी के साथ में आते हैं। ये 70G के नाम से, जम्बो 70G और ये सिएस्टा 70XL ये है। उसके अलावा दोनों की प्राइस रेंज भी सेम है, लगभग 11,000 की प्राइस रेंज में दोनों एयर कूलर्स हमें मिलते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं ऑर्डर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको परचेस कर सकेंगे अच्छे प्राइस पर। तो दोस्तों, मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं। इतने अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूले, ताकि आपको हमारे और भी कई सारे दूसरे वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, ये सिंफनी जंबो के बारे में पहले बात करें तो सिंफनी जंबो 70 लीटर जो है ये आता है कुछ इस डिजाइन में। काफी अच्छा इसका डिजाइन है और इसका भी डिजाइन काफी अच्छा होता है। ये आता है ट्रॉली के साथ में, ये आप देखें इसकी ट्रॉली, एक फ्री ट्रॉली के साथ में आता है, एक ट्रॉली इसमें फ्री मिलती है हमें, नीचे कैस्टर व्हील्स उसमें होते हैं। वहीं सिंफनी सिएस्टा की बात करें तो ये टावर मॉडल है, वो चौड़ाई में बड़ा है तो ये ऊंचाई में बड़ा है। ये टावर मॉडल ये आता है कैस्टर व्हील्स के साथ में, इसमें स्टैंड नहीं होता है, ये कैस्टर व्हील्स के साथ में आता है। तो दोनों ही स्पीड में भी काफी अच्छे हैं, दोनों की स्पीड बहुत अच्छी होती है। दोनों की 1000 RPM की स्पीड होती है, 1 मिनट में 1000 बार घूमती है इसकी ब्लेड और मोटर। तो दोनों की 1000 रिवोल्यूशन प्रति मिनट वाली स्पीड है, जो कि काफी अच्छी होती है और कूलिंग बहुत अच्छी आपको मिलेगी इस स्पीड के साथ में। दोस्तों, फिर यहां देखें आप तो यहां भी दो कंट्रोल नॉब्स दिए हुए हैं, यहां भी दो कंट्रोल नॉब्स दिए हुए हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल होती है और यहाँ पंप और ऑटो स्विंग मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ भी इसी तरह से है स्पीड और ये पंप एंड ऑटो स्विंग मोटर। तो दोनों को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा आपको जब मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा दोनों को। तो दोस्तों, ये देखिए आप, डिजाइन ग्रिल्स का काफी अच्छा है, आप ये मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसे आपको करना है, इस तरह की डिजाइन की हुई है, दोनों में ही सेम टाइप की है। फिर मोटराइज लूअर्स हैं इसके अंदर, अंदर की साइड में लूअर्स हैं तो वो मोटराइज लूअर्स मूव करते हैं इधर से उधर, आप ऑटो स्विंग मोटर की हेल्प से उनको मूव करा सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों की वारंटी के बारे में बात करें तो दोनों की 1 साल की ऑन साइट वारंटी होती है, यानी कि आपने जिस डेट को खरीदा है उससे 1 साल तक आपको होम सर्विस इसमें मिल जाती है, आपका कूलर जहां भी है वहां आपको मिल जाती है। इंदौर से खरीदा, पीतमपुर चले गए या नोएडा चले गए, आपको वहां सर्विस मिल जाएगी। तो ये इसके कवरेज एरिया के बारे में बात करें तो 119 क्यूबिक मीटर्स का कवरेज और एरिया होता है सिंफनी जंबो का, और लगभग इतना ही होता है सिंफनी सिएस्टा का। मोटर भी सेम टाइप की लगी हुई है तो सेम स्पीड इनकी मिलेगी और सेम कवरेज एरिया इन दोनों का होगा। दोनों में पेड एरिया जो है वो लार्ज है, यहाँ देखें आप तो लार्ज पेड एरिया, काफी लंबा चौड़ा एरिया इसमें होता है, और पीछे की साइड भी देखें आप तो पीछे की साइड तो और बड़ा एरिया होता है जिससे कि आपको कूलिंग अच्छी मिले। और ये वुडवूल पेड में आता है सिंफनी जंबो 70G, वहीं सिंफनी सिएस्टा 70XL आता है हनीकॉम पैड्स के साथ में, ये मोटे हनीकॉम पैड्स के साथ में आता है जिससे कि कूलिंग बेहतर हो और पानी कम से कम यूज करें। साथ ही ये आता है आई प्योर टेक्नोलॉजी के साथ में। आई प्योर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बैक्टीरिया फिल्टर इसमें रहता है, बैक्टीरिया से बचाए, स्मेल फिल्टर होता है, स्मेल आपको बुरी नहीं आए इस तरह का स्मेल फिल्टर है इसमें, PM2.5 वॉश फिल्टर इसमें होता है, साथ ही इसमें एलर्जी फिल्टर भी होता है। इस तरह के 4 फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं जिससे कि आपको
अच्छी हवा मिले, फ्रेश एयर मिले। साथ ही ये बोलते भी हैं यहाँ की क्लोज रूम्स ब्रीड डिजीजेस, यानी कि बंद कमरे जो हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए इनको जब आप चलाएं सिंफनी कूलर्स को, तो सिंफनी नहीं कोई भी कूलर को अगर आप चलाते हैं तो खिड़कियों को खोल कर चलाएं, संभव हो तो दरवाजे को भी खोल लें, ताकि आपको क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और अच्छी स्पीड आपको मिले, इनकी रेयरिटी भी अच्छी मिले और साथ ही कूलिंग भी अच्छी मिल सके, इस तरह से उन्होंने बताया है। साथ ही देखें इनको पानी डालने का, ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से आप टैंक में पानी डाल सकते हैं गार्डन पाइप के थ्रू या बाल्टी मग्गा जैसे आप डालना चाहे डाल सकते हैं। इसमें भी यहाँ नीचे की साइड में दिया हुआ है आइस और वाटर चैम्बर, साथ ही फिर यहाँ वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, पानी कितना है कितना खत्म हुआ है वो आपको पता चल जाए। यहाँ भी आपको दिया हुआ है ये वाटर लेवल इंडिकेटर कि पानी कितना बचा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर दोनों ही ग्रे कलर में है, पहले व्हाइट में आते थे अभी ग्रे कलर में निकाले हैं कंपनी ने, काफी अच्छा डिजाइन दोनों का पता है। और इनमें कुछ और चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊं, जैसे स्टैंड के बारे में तो मैंने बताया ही, यहाँ पर इसमें होता है एक वाटर ओवर फ्लो, ये यहाँ इसमें दिया हुआ है और इसमें भी होता है वाटर ओवर फ्लो, ये यहाँ पर दिया हुआ है। फिर दोनों में वाटर रिलीज प्लग भी होता है, नीचे की साइड में एक वाटर रिलीज प्लग है यहाँ पर, जिससे कि आप पूरे टैंक को एक साथ खाली कर सकते हैं, पानी ज्यादा दिन का हो गया है बदबू मार रहा है तो आप एक साथ पूरा टैंक खाली कर सकते हैं। यहाँ भी इसी टाइप का वाटर रिलीज प्लग दिया हुआ है और कूल फ्लो डिस्पेंसर है, जिससे कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब तरफ बराबर पानी जाएगा और कूलिंग आपको अच्छी मिलेगी। इस तरह के हैं दोनों ये एयर कूलर्स, और अब मैं इन दोनों एयर कूलर्स को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों एयर कूलर्स की स्पीड कैसी है। तो पहले मैं सिंफनी जंबो को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। एक इसकी केबल देखें आप, काफी अच्छी केबल है इसकी, लगभग 6-7 फीट की लंबाई वाली केबल होती है। और ये देखें आप, ये हम लगाते हैं यहाँ पर, तो ये ऑन किया हमने, यहाँ आपको मैं अब क्लोज लुक दिखा देता हूँ। ये देखें क्लोज लुक, तो यहाँ पर ये स्पीड कंट्रोल नॉब है, ये ऑफ, यहाँ हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड, ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो नॉब है ये है पंप और स्विंग को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ ऑफ, यहाँ पर पंप ऑन हो जाएगा कूल पर, यहाँ स्विंग प्लस कूल यानी कि ऑटो स्विंग मोटर जो मोटराइज्ड लूअर्स के लिए है वो और पंप दोनों चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ वो ऑटो स्विंग मोटर काम करेगी अपना। सेम सिचुएशन इसमें भी होती है, ये देखें ऑफ हाई मीडियम लो ऑफ कूल स्विंग प्लस कूल स्विंग, तो ये सेम सिचुएशन इसमें भी है, सेम टाइप का है। चलिए अब इसको ऑन वहां से हमने कर लिया, अब यहां से इसको हाई स्पीड पर रख लिया, ये देखिए आप ये हाई स्पीड इसकी होती है, ये मीडियम है, ये लो स्पीड है, तीन स्पीड सेटिंग्स इसमें होती है, ये हाई पर हम रखते हैं और यहाँ ये कूल स्विंग दोनों है, तो यहाँ स्विंग पर हमने किया। आप देखें काफी अच्छी हवा हमें मिलती है, ये कपड़े उड़ रहे हैं मेरे, देखो आवाज देखिए आप, एकदम कम आवाज है, विस्पर क्वाइट परफॉर्मेंस इसका होता है, यानी कि आवाज न के बराबर करे पानी डालने के बाद, तो ये भी दब जाती है, तो आपको साइलेंट ऑपरेशन इसमें मिलता है लगभग। ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वहां कॉमर्शियल में आप इसको यूज कर सकते हैं, और घर में भी आपको कूलिंग अच्छी मिलेगी, विस्पर क्वाइट परफॉर्मेंस होगा, तो दोनों ही चीजें अच्छी हैं। और साथ में ये 185 वॉट की पावर कंजम्पशन वाली मोटर के साथ में आते हैं, पावर कंजम्पशन इनका 185 वॉट का है, जिससे कि दोनों को आप इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। अब इसको भी मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको, तो ये भी अच्छी खासी साइज की केबल के साथ आता है, सेम टाइप की केबल इसमें भी लगी हुई है, और इसको मैं लगाऊं, ये सॉकेट में मैंने लगा दिया और देखें आप ये ऑन हो गया, ये भी काफी अच्छी हवा और वही कम शोर वाली हवा, देखें काफी अच्छी स्पीड इसकी भी मिलती है, सेम है सिचुएशन जो है वो सेम है, 70 लीटर्स के हैं दोनों, दोनों में 1000 आरपीएम वाली मोटर है, दोनों की 185 वॉट का पावर कंज्यूम करती है, दोनों में वो वाटर रिलीज प्लग वगैरह सब कुछ उसमें भी है, इसमें भी है, तो सब कुछ लगभग सेम है। इसमें घास है,
ये बुलबुल, तो इसमें हनीकॉम वाली पेड़ है, ये एक डिफरेंस है। और वो स्टैंड के साथ में आता है, ये आता है कैस्टर बिल्स के साथ में। दोनों की प्राइस रेंज भी सेम है, डिजाइन दोनों का अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए आप जा सकते हैं। एयर डिलीवरी और कूलिंग दोनों की सेम है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा कूलर ले सकते हैं, कवरेज एरिया दोनों का अच्छा है, आप जो भी ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं। जो मैंने ऑर्डर लिंक दिया है वहां पर आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात की सिंफनी जंबो 70G और सिंफनी सीएस्टा 70XL एयर कूलर के कंपैरिजन के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।